हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद गोपाल। और आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, 2 अगस्त को आज सुनवाई थी लखनऊ कोर्ट अपडेट में 40-45 के कट ऑफ समर्थन में। रिजवान अंसारी का ये केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, क्योंकि इसी केस पर ही इलाहाबाद कोर्ट का जो केस था वो भी इसी पर निर्भर है। तो चलिए बताते हैं हम आज की इस कोर्ट अपडेट को। आज कोर्ट में जैसे ही रिजवान अंसारी का ये केस टेकअप हुआ, इसको सुनवाई के लिए तैयार थे, लेकिन आज फिर से वही बात हो गई जो पिछली सुनवाई में हुई थी, यानी कि सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एजी साहब आज मौजूद नहीं हुए। एजी साहब की अनुपस्थिति आज फिर रही और ये बात तय है कि पहले सरकार की पक्ष सुना जाएगा। जब तक सरकार के एजी महोदय अपने पक्ष को नहीं रह सकते हैं, तब तक इस केस को आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। ये एक कोर्ट का नियम है, एक रूल है, इस जिसके अंतर्गत सरकार की तरफ से एजी का बयान या एजी का पक्ष लेना पहले जरूरी है। इसलिए जज साहब ने फिर से आज की कोर्ट की सुनवाई में डेट दे दी है। ये अच्छी बात है कि इस पर उपेंद्रनाथ मिश्रा ने जब ऑब्जेक्शन लिया तो बताया कि इस तरह से तो केस बहुत आगे चला जाएगा और भर्ती लेट हो रही है, तो जज साहब सहमत होते हुए इसकी डेट ज़्यादा लंबी ना रखते हुए सोमवार यानी कि 5 अगस्त की डेट रख दी है और दोपहर को 2:30 बजे इसकी सुनवाई होगी। 2:15 पर इसकी सुनवाई होगी, तो इसलिए एजी साहब को फिर से 5 अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है। और इस आज की कोर्ट की सुनवाई में लखनऊ की टीम रिजवान अंसारी और सीतापुर टीम भी वहाँ मौजूद रहे। रीना सिंह जो इलाहाबाद कोर्ट से हैं, इन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में अपना केस दाखिल कर रखा था। रीना सिंह भी आज लखनऊ कोर्ट में दिखाई दी हैं। तो आज सिर्फ इतना ही रहा कि एक बार फिर से कोर्ट से डेट मिली है शिक्षा मित्रों को और फिर से एक बार 40-45 कट ऑफ की सुनवाई टल गई। सोमवार को 5 अगस्त को अब इसकी सुनवाई है। 5 अगस्त को फिर से वकीलों का पैनल लेके रिजवान अंसारी अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहेंगे और बहस होगी, तब जाके निर्णय होगा कि आखिरकार इसका क्या परिणाम हो सकता है। जब तक सरकार का पक्ष सुना नहीं जा सकता है, इस केस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सरकार चाहे तो इस केस को जल्दी ही निपटारा कर सकती है। एजी साहब जैसे फ्री हो जाएंगे और कोर्ट में अपनी उपस्थिति देकर सरकार का पक्ष रखेंगे, उसके प्रत्युत्तर में रिजवान अंसारी भी अपना जवाब रखेंगे, तब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब को निर्णय दे पाएंगे। तो ये केस बस इसी वजह से अटका हुआ है कि एजी साहब कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। बाकी ऐसे अगली कोर्ट अपडेट 5 अगस्त तक को पाने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह। नमस्कार।